अगली लोकसभा चुनाव में राजनीति का रंग ढंग क्या होगा कोई नहीं जानता। ममता बनर्जी जिस संभावित मोर्चे की तलाश कर रही है उसका आकार और प्रभाव क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। मौजूदा दौर में बीजेपी के साथ कई राज्यों में गठबंधन की सरकार चला रही है। अन्य पार्टियां लोकसभा चुनाव में किस करवट अपना रुख बदलेगी यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि समय के साथ राजनीति और नेता के रंग बदलते जाते हैं। यही वजह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है और इसका कोई खास चरित्र नहीं होता। इसीलिए भविष्य की राजनीति क्या होगी इसे देखने की जरूरत है। संभव है कि नीतीश कुमार भी अगली राजनीति को बदले और ममता के संभावित मोर्चे की अगुवाई करे। देश में बदलती राजनीति और देश की हालात को देखने से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजनीति करवट लेगी और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा। ये बातें इसीलिए कही जा रही है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति बदल रही है और जिस अंदाज में नीतीश कुमार अपना रंग और ढंग बदल रहे हैं, उससे लगता है कि भविष्य की राजनीति में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका हो सकती है। नीतीश कुमार फिर से एक राष्ट्रीय नेता के रूप में निखर सकते हैं और संभावित मोर्चा में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। वह मोदी की राजनीति को घेर भी सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ नया खेल शुरू कर सकते हैं। बीजेपी को पस्त करने में शामिल भी हो सकते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। दिल्ली में जदयू की नई राजनीति देखने को मिली। जदयू की बैठक हुई, बहुत बातों पर मंथन हुआ और फिर पार्टी को नया अध्यक्ष मिला। जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, यह कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार अब तक जदयू में लव कुश समीकरण को ही ज्यादा तरजीह देते रहे हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर। ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद बिहार जदयू के भीतर परिवर्तन निश्चित है। सवर्णों का एक बड़ा तबका जदयू से जुड़ेगा और संभव है कि जदयू में कुछ लोग पार्टी से विलग भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का यह दाव काफी गंभीर है और बीजेपी के लिए खतरनाक भी है। अगर ललन सिंह ने बिहार में कुछ सवर्णों को अपने पक्ष में कर लिया तो बीजेपी की सवर्ण राजनीति कमजोर होगी और ऐसा होना तय है। ललन सिंह यूपी बिहार में भी भूमिहार और ब्राह्मणों को पाने के पक्ष में करेंगे। याद रहे कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जो रोड मैप बना है उसमें बिहार से लेकर यूपी और अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की भी कहानी दर्ज है। जदयू ने साफ किया है कि वह यूपी चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जदयू का यह खेल काफी रोचक है और बीजेपी के लिए गले की फांस भी। पहली दफा जब बीजेपी को या तो जदयू से यूपी में सीट का बंटवारा करना होगा या फिर जदयू को अकेला छोड़ना होगा, और ऐसा हुआ तो यूपी के कोयरी कुर्मी वोट के साथ भूमिहार ब्राह्मणों के अधिकतर वोट से बीजेपी को हाथ धोना पड़ेगा। नीतीश का यह दाव भविष्य की राजनीति की तरफ संकेत करता है। नीतीश कुमार और केसी त्यागी की मुलाकात हरियाणा के बड़े नेता प्रकाश चौटाला से होने जा रही है। इस मुलाकात के अपने मायने हैं। हरियाणा में संभव है कि चौटाला और जदयू मिलकर राजनीति करें और ऐसा हुआ तो बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार बीजेपी को सीधा चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन जदयू ने अपने प्रस्ताव में जाति आधारित जनगणना की बातें की है। जदयू का यह दाव बीजेपी को परेशान करेगा। खबर यह भी है कि इस मसले पर कई पार्टियां नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे भी। इसी प्रकार अति पिछड़ों की पहचान के लिए बने जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में देरी पर भी जदयू ने नाराजगी दिखाई है। इस आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक इसे 10 बार सर्विस एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार किया जा चुका है। जदयू ने मांग की है कि आयोग रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे और फिर उसे प्रकाशित करे, जिससे अति पिछड़े तबकों को फायदा मिले। इसके साथ ही जदयू ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का भी विरोध कर दिया और इससे जुड़े प्रस्ताव भी पारित किया है। हालांकि प्रस्ताव के दौरान ये भी कहा गया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय होने चाहिए, लेकिन इसके लिए जन जागरण
और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, न कि कानून बनाने की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की बीजेपी सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जदयू बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जदयू ने बिल्कुल उल्टी चाल चल दी है। जाहिर है इस राजनीतिक खेल के मायने हैं, इसीलिए अभी बहुत कुछ देखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।